मास्टर राम भगत जी जो बसपा के जिला सचिव हैं, कृपया आए और अपनी बात रखिए। मास्टर राम भगत जी, हमारे जो ना सभी का यहाँ पर धन्यवाद, सभी को जय भीम।
धन्यवाद। मेरा एक निवेदन है, स्टेज के सामने जितने भी पत्रकार साथी खड़े हैं आपसे निवेदन है कि आप भी थोड़ी व्यवस्था बनाएं, क्योंकि पीछे कुछ साथी कह रहे हैं कि हमको नजर नहीं आ रहा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है थोड़ी सी व्यवस्था बनाएं। अभी अभी पहुंचे हलोपा नेता भाई राजेंद्र जी राठा, इंद्रोज जी गुर्जर, भाई सुभाष जी चौधरी व अन्य और नेता जन यहाँ पहुंचे हैं, सभी का स्वागत है। आप सभी से निवेदन है एक बार जोरदार नारा इतना जोरदार होना चाहिए कि पूरे शहर में ये पता लगे कि इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा लोक हित पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा लोक हित पार्टी बहुजन समाज पार्टी चौधरी अमर सिंह चुनावा, चौधरी अमर सिंह चुनावा, भाई गोपाल कला, भाई गोविंद कला, बहन पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। महावीर जी शर्मा मैं सभी आए हुए साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी वक्ता बोले उसके बाद तालियां विषय बजाए ताकि वक्ता का हौसला बढ़े। और आप जिस प्रकार से यहाँ काफी देर से बैठे हैं, कुछ क्षणों में हमारे भी इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भाई अभय सिंह चौटाला जी और हरियाणा लोक हित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई गोपाल कादर जी पहुंचने वाले हैं। और अब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना और उनको बताना कि हम इस बार फिर से भाई गोपाल कादर को विजयी बनाकर विधानसभा में भेजेंगे ताकि वो सिरसा हल्का की, सिरसा शहर की और सिरसा की आवाज को उठाकर लोगों की समस्याओं को हल कराने का काम करेंगे। हमारे भी प्रदीप नंबरदार जी हल्का प्रधान काला वाले किसान खेल हलोपा पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करने जा रहा हूँ श्री प्रेमचंद राठी जी, जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। प्रेमचंद राठी जी Right।
नमन करता हूँ ऐसे विधानसभाओं को, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भी जय। धन्यवाद प्रेमचंद जी, बड़े अच्छे वक्ता हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने भ्रम फैला दिया था मीडिया के माध्यम से, उस भ्रम को दूर करने के लिए इनेलो बसपा और हम लोगों के कार्यकर्ताओं का यह संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, जो इस बात का संकेत है, जो इस बात को सिद्ध करेगा कि इनेलो बसपा और हलोपा का फेविकोल का गठबंधन है जो टूटेगा नहीं। क्योंकि कुछ लोग भ्रमित कर देते हैं, उस भ्रम को दूर करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मैं सभी यहां पर पहुंचे हुए कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि वो घर घर जाकर इनेलो हलोपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार भाई गोपाल पांडा को जितवाने के लिए पूरा जोर लगाएं, घर घर जाकर हलोपा इनेलो बसपा की नीतियों का प्रचार करें और भाई गोपाल पांडा को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करने जा रहा हूं हलोपा के प्रदीप नंबरदार जी, जो कालावाली के एसोसिएशन के प्रधान भाई मनोहर मेहता जी से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आए। मनोहर मेहता जी आरती एसोसिएशन मंडी शिक्षा के जो प्रधान है, कृपया मंच पर पधारे। धन्यवाद। तालावाली हलका इंचार्ज प्रदीप जैन जो हलोपा के हैं, हरविंदर सिंह जी धोरडोई जो हलोपा से हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है जो यहाँ पहुंचे हैं। सारे तो पहला इतने आए हुए सारे कार्यकर्ता, मेरा नाम है प्रदीप नंबरदार, हाथ जोड़ के सारा का अभिनंदन करता जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मंच के विराजमान अलोपा इंडियन नेशनल लोकल बसपा के सारे लीडर सरकार जो जो मंच से विराजमान है, उन्हों का सारे का इतने मुझे तो स्वागत करते हैं। अच आप सारे इतने तिना भी पार्टियों के कार्यकर्ता इकट्ठा हो जो अपना गठबंधन होया हलोपा इंडियन नेशनल लोकल के बहुजन समाज पार्टी ओदा जो मजबूत गठबंधन होया ओदा पंजे सीटां ते अपने उम्मीदवार जिताउण वास्ते आप इकट्ठे होए हैं। मैं तुहाडे सारिआं नूं एक ही अर्ज करांगा अपने सिरसा के कालावाली एलाबाद डबाली एलाबाद जिथे जिथे अपने रिश्तेदार है अपने कार्यकर्ता है सब नूं फोन करो जी जान नाल जुट के आप जिहड़े 15-20 दिन आप मेहनत करनी है ताकि 5-5 सीटां आप अज की टाइम जित रहे हैं पर आप इन्हां नूं 5 सीटां नूं वध तो वध मार्ग नाल जित के हरियाणा सारिआं नूं उपरले लेवल ते लैके जाणा है। एक मैं होर कहना चाहना भी अपना पहला लोगों ने भ्रम फैला रखा सी भी हलोपा का बीजेपी नाल गठबंधन हो रहा है ते हरियाणा लोक हित पार्टी के जिहड़े लोकल कार्यकर्ता से भी असमंजस सीगे क्योंकि बीजेपी का सब नूं पता है जो किसान अंदोलन होया सी 2 साल अपने किसान दिल्ली दीआं सड़कां ते बैठे रहे, इन्हां ने उन्हां दी कोई सुनवाई नहीं कीती। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों को माफी मांग के 3 कानून वापस लेने पे फिर जाके अपने सारे किसान की जित हुई तो आप वापस सारे घर आए उत्थे 700 किसानों की शहीदी हुई सी उन्होंने किसान वर्ग कभी भी भुल नहीं सकता। जेड़ा हम अपना गठबंधन होया इंडियन नेशनल लोकदल का इस कामयाब करना है, इस टाइम आप 50-60 सीटा जित रहे हैं, हरियाणा के अपनी सरकार आ रही है, चौधरी अभय सिंह चुटाला अपने इंडियन नेशनल लोकदल हलोपा बहुजन समाज पार्टी के मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, आप 5 सीटा जिता के वो हिस्सा पाना है।
अपने सिरसा के शेर भाई गोपाल पांडा जी ने जो अज 20-25,000 वोटा तो जित रहे हैं आने वाले भी इन्ना टाइम तो कि आप जितने 50,000 वोटा तक लेके जाना है। हमारे बीच इनेलो को श्री पवन बेनीवाल जी पहुंचे हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पवन बेनीवाल जी जो इनेलो के हमारे पदाधिकारी हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद। प्रदीप जी आप सारे कार्यकर्ता आप जो वीडियो रह गए मेहनत दिन रात करके पंजे सीटा जिता के वो तो हिस्सा पाइए इन्हें कहते हुए मैं अपनी गल पूरी करता जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी फतेह। धन्यवाद प्रदीप जी। वोटों की अपील की शमशाबाद पट्टी के सरपंच राणा सिंह जी पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। गांव शेरपुरा से चेयरमैन राकेश जी, सिवर ठाकुर विक्रम सिंह जी, सुरेंद्र जी महेरिया, महेंद्र जी गिरडा, सरपंच इंद्र जीत सिंह सिवर जी, राम सिंह जामड़ा जी, मेघपाल जी किलानिया, जयदीप सिंह महेरिया, निहाल सिंह जी, हरिजन भूख जी, नाई प्रकाश जी किलानिया पहुंचे हैं। सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है, स्वागत है। हरमंदर सिंह झोरड़ भाई कितने आए अपनी बात रखने। हरमंदर सिंह जी एक सफल आयोजन किया गया श्री साधारण
श्री बाबा तारक की कुटिया में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं अपने कर्तव्य पुत्र हलोपा हलका इंडिया प्रदीप जैन को अनुरोध करता हूँ कि मैं आए और अपनी बात रखे प्रदीप जैन। धन्यवाद। मंच पर विराजमान तारा कुटिया के मुख्य सेवक भाई गोविंद जी खाना, इंडियन नेशनल लोकदल के महबूब नेता भाई पवन जी बेनीवाल, तीनों पार्टियों के सभी सम्माननीय नेतागण मंच पर विराजमान और इस सभा में उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उसी कड़ी में सिरसा विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भाई गोपाल कांडा और भाई अभय सिंह जी चौटाला और बहुजन समाज पार्टी एक साथ एक मंच पर आई है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि सिरसा की पांचों सीटें जो गठबंधन हमारे गठबंधन को जाने वाली है और हरियाणा में बनने वाली सरकार वो सिरसा से बनेगी, आपकी अपनी सरकार बनेगी। साथियों, कहने को बहुत बातें हैं। आज कुछ लोग कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा में किसने क्या किया। आज जो हम 2500 या 3000 रुपए की हमारे सम्माननीय बुजुर्ग जो पेंशन लेते हैं, ये चौधरी स्वर्गीय देवीलाल जी की देन है। स्वर्गीय देवीलाल जी जो सही महीनों में दलितों के, गरीबों के, तो हमारे बीच हमारे महबूब नेता भाई गोपाल कांडा जी पहुंच रहे हैं और चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव चौधरी अजय सिंह चौटाला और हलोपा के सुप्रीमो भाई गोपाल कांडा हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जब तक ये महबूब नेता स्टेज पर नहीं पहुंचते, आप सभी तालियों के साथ इनका स्वागत करें और हमारे साथ नारे लगाएं, भाई अजय सिंह चौटाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। तो भाई गोपाल कांडा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा, हरियाणा लोकहित पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी,
तो सभी साथियों से प्रार्थना कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपके महबूब नेता भाई गोपाल कांडा जी आप सबके बीच में विराजमान हो चुके हैं। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन कितने आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, जहां भी आपको जगह मिलती है बैठने की कृपया करें। और जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, छायाकार साथी हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया आपकी थोड़ी सी जगह स्टेज के सामने व्यवस्था बनाकर रखें, ताकि सामने बैठे सम्मानीय लोगों को दिखना चाहिए। तो आप सबसे निवेदन, जैसे भी आपको जगह मिल रही है कृपया आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि चौधरी देवीलाल जी जिन्होंने 1987 में 100 रुपए की पेंशन शुरू की थी, उनकी उस वक्त ये सोच थी कि गरीब, दलित, कमेरे, दुकानदार, व्यापारी किस प्रकार से, उन्होंने सब समाज का दुख को समझा और उस वक्त जो 100 रुपए की पेंशन शुरू की हुई, आज जो जितने 2500 या 3000 की है। और इस गठबंधन का नारा है कि आने वाले समय में आने वाली जब आपकी सरकार बनेगी तो 5 से 6 हजार तक की ये पेंशन आपकी होगी। और उसी प्रकार से भाई गोपाल कांडा, आप सभी जानते हैं कि सिरसा के अंदर एक प्रमुख समाज सेवी हैं और ऐसे ऐसे कार्य वो सिरसा में करते हैं जो कि एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक बहुत बड़ी एक बात है। आप सभी जानते हैं कि बाकी लोग क्या करते हैं। आज जो लोग कह रहे हैं हमने ये किया वो किया, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि 25 साल तक आपका राज रहा, 5 बार आप विधायक मंत्री रहे, मैंने नहीं देखा किसी भी स्लम एरिया में, किसी भी गलत एरिया में, किसी भी गरीब कॉलोनी में एक ईंट भी लगी हो, एक नाली भी बनी हो। उस वक्त गरीब गलियों के अंदर घरों के आगे खड्डे किए होते थे, घड़े जमीन में दबाकर रखे होते थे कि वो नहाते थे, जब वो पानी उन खड्डों में जाता था, उन घरों में जाता था, और वही पानी नहाने वाले बाहर सड़क पर फेंक कर आते थे। आज उन सब गलियों में सीवरेज की व्यवस्था है, पक्की गलियों की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। इस प्रकार के जितने भी कल्याणकारी कारण हैं जो भाई गोपाल कांडा की रेखदेख में, भाई गोविंद कांडा की रेखदेख में सिरसा में हुए हैं। और मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज काफी लोग भाई गोपाल कांडा के नाम से इस प्रकार के लांछन लगाते हैं, मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि उनको ये बात कहते हुए लज्जा आनी चाहिए कि जब कोई धार्मिक कार्यक्रम करता है तो लोग उन्हें दुआएं देते हैं कि भगवान इनको बड़ा बनाए, इनको अच्छा बनाए, इनके परिवार का भला हो। ये हर साल धार्मिक कार्यक्रम कराते हैं और ऐसे कार्यक्रमों की जो आलोचना करते हैं उनको दोनों जहानों में जगह नहीं मिलती दोस्तों, ना इस जहान में ना अगले जहान में। ये धार्मिक कार्यक्रम बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। भाई गोपाल कांडा, भाई गोविंद कांडा लाखों रुपया लगाकर लाखों लोगों का बिठाने का, उनका लंगर व्यवस्था करने का कार्यक्रम करते हैं हर साल में अनेकों बार। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रमों को वो ये कहते हैं कि ये तो कथा कराते हैं, ये संतों को बुलाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, इसमें क्या बुराई है? संत जहाँ पर होते हैं माने सबकी खैर, सबसे इनकी दोस्ती नहीं किसी से बैर। संत तो हर जगह। गुरप्रीत सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष किसान सेल इनर। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को सिरसा विधानसभा से आपके अपने तीनों पार्टियों के सांझे उम्मीदवार भाई गोपाल कांडा जी, हम सब ने बाकी के कितने दिन हैं, हमने जी जान लगाकर ये जीत जो है बड़ी से बड़ी जीत बनानी है। जीत आपकी निश्चित है, लेकिन इसका मार्जन
हम सब ने बढ़ाना है और कितना समय बाकी बचा है उसको हमने बड़े जोश के साथ लगाना है और जोश के साथ किसी ने अपना होश नहीं खोना दोस्तों, क्योंकि कई प्रकार के आपके सामने मुद्दे आएंगे, आपने किसी की बात में नहीं आना और अपने पार्टी के गठबंधन का जो आदेश है हमने उसका पालन करना है और तन मन धन से पार्टी के गठबंधन की सेवा करनी है। भाई गोपाल कांडा को एक एक वोट देकर हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करना है और इसके अलावा जो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए हैं उनसे भी प्रार्थना है कि सिरसा की पांचों सीटें गठबंधन को जिताकर चौधरी अभय सिंह चुड़ाला के हाथों को कामयाब करना है, भाई गोपाल कांडा के हाथों को कामयाब करना है, चौधरी ओम प्रकाश जी चुड़ाला के हाथों को काम करना है और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करना है। यही निवेदन आप सबसे करते हुए आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि मेरे साथ दो तीन नारे लगाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी। भाई क्या बात, यहाँ पर खाने की व्यवस्था की हुई है और सिरसा के लोगों की आवाज तो इतनी है कि दूसरे शहरों तक जाती है। एक बार ऊंचे स्वर में सारे बोलेंगे, चौधरी अभय सिंह चुड़ाला, चौधरी अभय सिंह चुड़ाला, भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा, भाई गोविंद कांडा, बहन मायावती जिंदाबाद, जो समझिए बहन मायावती जिंदाबाद। आइए मेरे बड़े भाई महादेव शर्मा, बड़े ही शानदार शब्दों में आपसे भाई गोपाल कांडा के वोटों की अपील श्याम भारती ने की और मुझे उम्मीद है कि आप पूरे तन्मयता से आज से ही, वैसे तो आप काफी पिछले दिनों से मेहनत कर रहे हैं भाई गोपाल कांडा के लिए, लेकिन पुनः आज से फिर इस सम्मेलन के बाद, इस कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद आप फिर से जी जान से मेहनत करने में जुट जाएंगे और भाई गोपाल कांडा को एक एक वोट दिलाकर आप अवश्य उन्हें जिताएंगे। मैं पुनः बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने जो भ्रम फैलाया था उस भ्रम को दूर करने के लिए इनेलो बसपा और हलोपा गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं की ये बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में आप देख रहे हैं इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भाई अभय सिंह चौटाला जी कुछ ही क्षणों में हमारे पहुंचने वाले हैं, जबकि हलोपा के प्रदेशाध्यक्ष भाई गोविंद कामत भी पहुंच चुके हैं। इनेलो से पवन बैरीलाल जी, संदीप चोयल जी, जबकि श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक भाई गोविंद कांडा जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और भी सभी जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी गण हैं, बसपा के भूषण बरोड़ जी हैं, लीलू राम जी आशा खेड़ा हैं, वो भी यहां पहुंच चुके हैं। मैं सभी साथियों से गुजारिश करता हूं कि कृपया करके आप एक बार फिर से जुट जाएं और भाई गोपाल कांडा को विधानसभा में विजयी बनाकर भेजें ताकि वो हमारे हल्का की आवाज को पूरे जोर से उठाकर हमारी समस्याओं को और जो काम अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए सरकार के साथ पूरी की पूरी बहस करके उस काम को, आपके लिए वो लड़ाई करके उस काम को पूरा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि अक्सर भाई गोपाल कांडा विभिन्न मंचों पर, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे ड्रेनेज वाटर की बात हो, इस प्रकार की समस्याएं अक्सर वो उठाते रहते हैं, गाँव में बिल्डिंगें पक्की करनी हो, सड़कों को पक्का करना हो और सिरसा शहर के अंदर जितनी भी गलियां हैं आज उन्हीं की बदौलत वो गलियां और सड़कें पक्की हुई हैं और जिस प्रकार उन्होंने पूरा पैसा सिरसा के लिए ला कर दिया वो वास्तव में अपने आप में एक उदाहरण है। तो इन कामों को देखते हुए आप प्रचार करेंगे, हमारे बीच कंज्यूमर कोर्ट के पूर्व जज भाई प्रदीप मेहता ही आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप पूरा जोर लगाएंगे भाई गोपाल कांडा के लिए, उनको जिताने के लिए। कुछ ही देर में हमारे बीच इनेलो के प्रधान महासचिव भाई अभय सिंह चौटाला जी कुछ क्षणों में पहुंचने वाले हैं, चुनावों का समय है,
बाहर पहुंच चुके हैं। आप खड़े होकर उनका स्वागत करना हमारे नेता का। सभी साथियों से प्रार्थना, जितने भी साथी बाहर खड़े हैं सभी से निवेदन, कृपया हॉल के अंदर आ जाएं। चंद ही मिनट में आप सबके महबूब नेता चौधरी अभय सिंह जी चौटाला हमारे बीच में विराजमान हो रहे हैं। आप सभी साथियों से निवेदन, जितने भी साथी हॉल के बाहर हैं या दाएं बाएं खड़े हैं, कृपया करके आप सभी हॉल में आ जाएं। प्रदीप मेहता जी आए होंगे, दो मिनट के लिए बोलेंगे जब तक भाई साहब ना आ जाए, दो मिनट के लिए। सम्मानित मंच, सिरसा हल्का से गांव गांव में वार्ड वार्ड से आए मेरे पिता थे बुजुर्गो हम उम्र साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आने वाली 5 तारीख को सिरसा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें हरदिल जी हमारे हनुमान प्यारे भाई गोपाल कांडा जी, हरियाणा लोकहित पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन के साझे उम्मीदवार हैं, जिसे हमने भारी बहुमतों से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करना है। आज हम सब साथी यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि आने वाली 5 तारीख को ना केवल अपना मत बल्कि आस पड़ोस गांव रिश्तेदार यार दोस्त मित्र सबके वोट
भाई गोपाल कांडा के हक में दिलवाकर भाई गोपाल कांडा को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। साथियों, भाई अभय सिंह चौटाला चंद ही क्षणों में युवा दिलों की धड़कन जल केसरी हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं आपने और उनके बीच में ज्यादा समय नहीं ले पाऊंगा, बस इतना ही कहूंगा कि कृपया आप अपना एक एक मत ना केवल अपना बल्कि सभी साथियों का, यार दोस्तों का, रिश्तेदारों का, मित्रों का भाई गोपाल कांडा के हक में डलवाकर उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भाई प्रदीप जी, आपसे वोटों की अपील की गोपाल कांडा जी को जिताने के लिए। और ये जो जोश आपका यूं ही वोटों के दिन तक बना रहे, ये जुनून तब तक बना रहे क्योंकि जब तक भाई गोपाल कांडा की जय ना हो गए, ये जोश तब तक बना रहे जब तक भाई गोपाल कांडा विधानसभा में ना पहुंच जाए। हमारे बीच अभय सिंह जी चौटाला मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। आइए चौधरी अभय सिंह जी चौटाला हमारे बीच में विराजमान होने जा रहे हैं। तो सभी साथियों ने एक साथ मिलकर हमारे साथ नारे लगाने हैं, भाई अभय सिंह जी चौटाला हमारे बीच में विराजमान होते हुए। चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला। तो आइए आप सबके बीच चौधरी अभय सिंह जी चौटाला विराजमान होते हुए सभी साथियों से प्रार्थना, एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई अभय सिंह चौटाला का स्वागत करते हुए। और मेरे साथ बोलेंगे चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सभी साथी सम्माननीय नेता खड़े होकर भाई अभय सिंह चौटाला जी का समाज अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए। और एक बार ऊंचे स्वर में बोलिए चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा, चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी। चौधरी अभय सिंह चौटाला, आप सभी साथियों से निवेदन है कृपया आप ये जगह जो आगे है इसको खाली कर दें। जितने भी साथी सामने खड़े हैं, दाएं बाएं खड़े हैं, सभी से निवेदन कृपया थोड़ी व्यवस्था बनाएं। मीडिया के पत्रकारों से भी मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मन से और सभी साथियों से प्रार्थना, कम से कम 1000-1500 आदमी बाहर जो खाना खा रहा है कृपया एक बार खाने को बंद करा दें और सभी साथियों को अंदर भेजें। और एक जोरदार ताली के साथ चौधरी अभय सिंह और भाई गोपाल कांडा का स्वागत करते हैं, जोरदार ताली। तो मैं प्रार्थना करूं बड़े भाई महावीर जी शर्मा आगे का कार्यक्रम चलाए। धन्यवाद श्याम जी। आज इनेलो बसपा लोकहित के सभी कार्यकर्ताओं का एक संयुक्त सम्मेलन
जिसे कुछ ही क्षण में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भाई गोपाल कांडा जी संबोधित करेंगे। इस कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक भाई गोविंद कांडा जी आए और अपनी बात रखें। पीछे से फोटो कराना। नवीन पूनिया जी एक गीत गाएंगे, इसके बाद श्री गोविंद कांडा जी। तो पहले भी भाई ने काफी देर तक अपने गीत सुनाए, भाई नवीन पूनिया एक बहुत ही सुंदर केंद्रीय गीत अपना प्रस्तुत कर रहे। हेलो 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 हेलो, हाँ जी थोड़ी आवाज कर दो इसकी। बोलिए भारत माता की जय हो। भैया सबसे पहले अभय जी को गोपाल जी को सभी को नमस्कार। और मैं सहरसा का हूँ, इतनी अच्छी लैब बना दो सिरसा का राजा एक लैब यहाँ से शुरू कर दो और आगे चंडीगढ़ तक ले चलो। और जब से तीनों पार्टी एक साथ हुई है पूरे हरियाणा में एक लैब चल गई थी, लैब क्या चली है वो सब से तीनों साथ में आए चोरी खुशियां की भर लाए या जीत धमाल की हो। अब है और कांडा जी की जोड़ी गणे कमाल की हो। पूरे हरियाणा की जोड़ी की चर्चा होगी हो सकते तीनों साथ में आए भर लाए तीनों साथ में आए तो खुशियों की भर लाए जीत कमाल की होगी रजीत कमाल की होगी। अब है और कांडा जी की जोड़ी गणे कमाल की होगी। अब है और कांडा जी की जोड़ी गणे कमाल की होगी। भाई
माननीय विधायक सिरसा श्री जय सिंह जी किशन जी जिला प्रधान हड़प्पा से, श्री गंगाराम जी बजाज शहरी प्रधान IIMB से, श्री गुरविंदर सिंह जी हल्का प्रधान, भाई पवन जी बैनीवाल, भाई गिलोर जी बैनीवाल, श्री हरमंदर सिंह जी कालावाली हल्का प्रधान, श्री संदीप जी हल्का प्रधान एहनाबाद से, श्री देव प्रकाश जी हल्का प्रधान रामिया से, श्री मनोहरलाल जी मेहता, वैसे तो सभी परिवार के सदस्य ने ज्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि आज की जो ये एक संयुक्त मीटिंग थी IIMB भाजपा और हड़प्पा की कार्यकर्ता मीटिंग, आज ये मीटिंग कार्यकर्ताओं ने ये करके दिखा दी कि ये मीटिंग नहीं है, ये बहुत भारी निर्णय है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि ये इतने कार्यकर्ता अगर अपने अपने काम में जुट गए तो मैं ये कहता हूं कि 500 सीटों पे हम जमानत जब्त करा देंगे सामने भी लोग। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हम 10-11 मिनट से आप बैठे हैं और सभी भाई गोपाल कांगा जी ने और भाई अजय सिंह जी ने बोलना है बताएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि रानिया हल्का के जितने भी हड़प्पा परिवार बैठे वो हाथ खड़ा कर ले सभी, हाथ खड़ा करके, और आप विश्वास दिलाए कि आप तन मन धन से रानिया सीट पर धवल कांडा और भाई बेटा ही है वो भी बेटा अर्जुन, आप धवल समझकर अर्जुन को अपना तन मन धन लगाकर उसकी जीत को इतना बड़ी जीत करके दिखाना कि हमने चौधरी रणजीत सिंह ने ये कहा था कि आप सभी यहां आ जाए कांडा के बनकर ना आए तो आज ये वक्त है हमारा बदला लेने का और आपका काम करवाने का टाइम आ चुका है। तो ये इतना काम करके दिखाएं कि इस सीट पर उनकी सभी जमानत जब्त कर बेटा अर्जुन हजारों वोटों से जीत के आए, हरियाणा में रिकॉर्ड बनकर आए। बस मैं यही मेरे जो परिवार बैठा है हड़प्पा परिवार रानिया का और एहलाबाद का परिवार, अब एहलाबाद का परिवार हाथ खड़ा कर ले, एहलाबाद के परिवार के मैं सभी हल्का प्रधान संदीप जी से यही कहूंगा कि जहां भी मेरी जरूरत पड़े, जिसको मेरा फोन कराना पड़े करके करें करवाए, लेकिन आप ये मत समझना कि मैं एहलाबाद से चुनाव लड़ा था। आज एहलाबाद के वोट और मेरे अभय भाई के वोट दोनों मिलाकर जब हम लड़ेंगे तो सामने उसकी भी जमानत जब्त हो जाएगी भारी मतों से विजयी होने, दोनों वोट मिलाकर। ऐसा ही अर्जुन बेटे के वोट और मेरे वोट दोनों मिलेंगे तो रानिया वालों की भी जमानत जब्त हो जाएगी। मैं यही कहूंगा कि आप सभी एक मन लगाकर एक अभय ने भाई साहब में और मेरे में कोई फर्क ना समझना, पर मन धन से जुट के लग जाना और बेटा धवल और बेटे अर्जुन में ना कोई समझना। आप सभी यहां से आज कसम खा के जाएंगे कि हम एक तन मन धन होकर काम करेंगे और सभी मन लगाकर काम करेंगे। और आज सिरसा के सभी जो यहां कार्यकर्ता बैठे हैं सभी तीनों पार्टियों के मैं यही अपील करूंगा कि ये 500 सीटों पे हमें काम करना है। हमारे जो भी रिश्तेदार दोस्त भाई बंधु जहां भी हमारे 500 सीटों पे बैठे हैं हम उनको सभी को ये कहेंगे कि ये 500 सीटें आपकी होनी चाहिए, सरकार आपकी होगी, सिरसा वालों की होगी। मैं आपको ये बता दूं सिरसा ये कभी ही तरक्की करेगा सिरसा कि अगर आपकी सरकार बनेगी जब भी आपके काम होंगे आपकी तरक्की करेगा। तो मैं इसके साथ ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सभी से क्षमा चाहूंगा अगर मैं कुछ गलत शब्द बोल गया हूं, पर आप सभी एकजुटता के साथ काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद श्री गोविंद कांडा जी। रानिया और एहलाबाद हल्का के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जुट जाएं और भाई अभय सिंह चौटाला और अर्जुन चौटाला को विजयी बनाकर विधानसभा में भेजें। मैं अगले वक्ता के रूप में इनेलो नेता पवन बैनीवाल जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया आए और अपनी बात रखें। पवन बैनीवाल जी